हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अरुण पटेल। हम आज आपको बताते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर या जजमेंट कैसे डाउनलोड करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा, और जैसे ही अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे दोस्तों, सिंपली आपको वहाँ पर टाइप कर देना होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो मैं पहले से दोस्तों टाइप कर रखा हूँ, ये देखिए मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा दोस्तों। तो स्क्रॉल करके आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे दोस्तों, जैसे ही नीचे जाएंगे देखेंगे दोस्तों, एक साइड ये है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए दोस्तों ये जजमेंट एंड ऑर्डर ये है। तो दोस्तों आप इस पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों साइड एक ही है दोस्तों। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर क्लिक करेंगे दोस्तों तो सबसे पहले कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी वही ऑप्शन है, जजमेंट एंड ऑर्डर। दोस्तों आप चाहे वहाँ से डाउनलोड करिए और चाहे यहाँ से डाउनलोड करिए। तो मैं बैक आके आपको वहाँ से दिखाता हूँ डाउनलोड करके। जैसे बैक आया हूँ दोस्तों, देखिए ये रहा वो साइड, जजमेंट या ऑर्डर। तो दोस्तों मैंने इस पर क्लिक कर दिया, जैसे ही क्लिक किया दोस्तों तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आया। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ दोस्तों, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है जजमेंट और ऑर्डर। तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर दे रहे हैं, जैसे उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ दोस्तों, जैसे ही थोड़ा सा जूम किया हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि केस नंबर से देखना चाह रहे हैं या जज नाम से देखना चाह रहे हैं, जज नेम एंड टेस्ट से देखना चाह रहे हैं, टाइटल से देखना चाह रहे हैं, काउंसिल नेम से देखना चाह रहे हैं, जजमेंट ऑर्डर डेट से देखना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आपको जो भी पता हो इसमें से आप उस पे देख सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल केस नंबर से बताते हैं, तो सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करके दिखाता हूँ दोस्तों, यही केस नंबर मैंने जैसे इस पर क्लिक किया हूँ, सॉरी सॉरी यार दोस्तों, साइड भी चल नहीं रहा है। तो एक सेकंड दोस्तों, फिर से क्लिक करके देखते हैं, सॉरी चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो केस नंबर पे सिंपली आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने इस पर क्लिक किया हूँ तो इस तरह कुछ इंटरफेस आएगा। तो आप सबसे पहले देखिए ऊपर लिखा हुआ है इलाहाबाद, फिर केस टाइप पूछ रहा है, फिर ईयर पूछ रहा है, फिर नंबर पूछ रहा है, रेपचर कोड हो गया दोस्तों। तो सिंपली आपको इलाहाबाद का देखना है तो इलाहाबाद है, लखनऊ का देखना है तो लखनऊ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इलाहाबाद का ही बता रहा हूँ, तो इलाहाबाद ही देखते हैं। और केस नंबर में सेलेक्ट करना है, जब केस टाइप में सेलेक्ट करेंगे दोस्तों में बहुत सारा ऑप्शन आएगा, अगर आपको बेल की आवश्यकता है या रिट सी है या 482 है जो भी दोस्तों। तो अगर बेल है तो थोड़ा सा नीचे करके जाएंगे दोस्तों, तो ये देखिए एंटीसिपेटरी बेल है ये, और थोड़ा सा नीचे करके जाएंगे दोस्तों तो ये देखिए क्रिमिनल बेल एप्लीकेशन दिया हुआ है दोस्तों। तो सिंपली आपको यहाँ पर टाइप कर देना होगा, जैसे ही टाइप करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए लिख उठा है यहाँ पर। तो दोस्तों फिर उसके बाद अगर आपका सर 2021 है तो 21 रहने दो, और कोई सा उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैं कोई सा नंबर ले ले रहा हूँ दोस्तों, मुझे देखते हैं उस नंबर का बेल भी है भी कि नहीं। मैं सिर्फ 504 ले ला रहा हूँ दोस्तों, सॉरी दोस्तों 505 ही कर दिया। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और ये किया, मैंने इस पर कैप्चर कोड डालने के लिए सॉरी दोस्तों 1 3 3 1 3 7 और सबमिट पे क्लिक कर दे रहा हूँ दोस्तों। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसमें कई सारा ऑर्डर है जिस डेट का आपको डाउनलोड करना है दोस्तों,
वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए दोस्तों, 24/6 का ऑर्डर है, 7/6/21 का है, 7/4/21 का है, 8/3/21 का है, इस तरह का कई सारा ऑर्डर है। इसमें से आप कोई सा भी डाउनलोड करना चाहें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं सबसे लास्ट वाला थोड़ा सा साइड खिसकाते हैं तो देखिए, ये PDF फाइल है दोस्तों, इस पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल के आएगा। फिर से आपको कैप्चर कोड भरना होगा, तो भर देना होगा 2/7 जो भी कैप्चर कोड हो दोस्तों, 2/7/1482, और सबमिट पे क्लिक कर दे रहा हूँ दोस्तों। जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया दोस्तों तो जजमेंट खुल के हमारे सामने आ गया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जजमेंट है, ये 2 पेज का है। तो आप ऐसा दोस्तों थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, देखिए दोस्तों ये शाहरुख अलियास छोटू के नाम से है, आप देख सकते हैं। और मैंने जो वहाँ पर नंबर अप्लाई किया था 505/2021 ही है दोस्तों, और ये देखिए मैंने एप्लीकेशन लिखा हुआ है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रहा है दोस्तों तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी दोस्तों। और अगर कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो भी समस्या का समाधान किया जाएगा दोस्तों।